हरिद्वार डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई, राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास तथा आयुष भारत सरकार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को होटल रॉयल वृंदावन ज्वालापुर में 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी जनपदों की जोनल मीटिंग, विभिन्न योजनाओं का महिलाओं एवं बच्चों पर प्रभाव विषय पर आयोजित हुई। बैठक का शुभारंभ मांगल गीत के बीच दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास तथा आयुष भारत सरकार डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई ने कहा कि महिला एवं बाल विकास प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा है। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं व बच्चों को सशक्त बनाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2016 से इस योजना के तहत किसी भी तरह की हिंसा झेल रही महिला को उचित सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत उन्हें पुनर्वास हेतु आश्रय, चिकित्सकीय सुविधा, कानूनी सलाह, पुलिस सुरक्षा, परामर्शदाता की सेवा आदि मदद की जाती है। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए 971 छात्रावास बनाए गए हैं, जिनका लाभ 75,000 महिलाएं उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सृजित करना है तथा हम अनगिनत महिलाओं की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हर क्षेत्र में मदद कर रहे हैं।